आज का प्रेरक प्रसंग है प्रश्न का उत्तर। देश प्रेम क्या होता है? देश के लिए त्याग किस प्रकार किया जाता है? देश के गौरव को अक्षुण कैसे रखा जाता है? यह कोई सीखे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान पुरुषों से। उस महापुरुष के विषय में आप और हम बहुत कुछ जानते हैं, सारा संसार जानता है, इतिहास साक्षी है और रहेगा। एक घटना हम आपको सुनाते हैं जिससे प्रकट होता है कि सुभाष बाबू के हृदय में अपनी जननी जन्मभूमि के प्रति कितना प्रेम था, कैसी गौरव की भावना थी। वे ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इंग्लैंड से भारत लौटे थे। एक लिखित परीक्षा उन्हें यहाँ आकर और देनी थी। परीक्षा भवन में जब उन्होंने प्रश्न पत्र को पढ़ा तो उसमें एक प्रश्न में एक अंग्रेजी गद्यांश का अनुवाद करना था। उस गद्यांश में एक वाक्य था, इंडियन सोल्जर्स आर जनरली डिसऑनेस्ट, जिसका अनुवाद होता है, भारतीय सिपाही प्रायः बेईमान होते हैं। यह वाक्य पढ़कर सुभाष बाबू के तन बदन में आग लग गई। वे तुरंत खड़े होकर निरीक्षक महोदय से बोले, इस प्रश्न को प्रश्न पत्र में से निकाल दीजिए, यह तो संभव नहीं, निरीक्षक ने कहा। उत्तर सुनकर सुभाष बाबू ने प्रश्न पत्र के टुकड़े टुकड़े करके परीक्षा भवन में उड़ा दिए और गर्जना की, मेरे देशवासियों का अपमान करने वाले इस प्रश्न और प्रश्न पत्र का यही उत्तर है। अपनी नौकरी अपने पास रखिए और कहिए अपने अंग्रेज आकाओं से कि वे अपना बोरिया बिस्तरा जितनी जल्दी संभव हो समेट ले, भारतवर्ष भारतवासियों का है। अंग्रेज सरकार की सर्वोच्च नौकरी को इस प्रकार ठोकर मारकर भारत की आज़ादी का जयघोष करके सुभाष बाबू परीक्षा भवन से बाहर आ गए जैसे कोई शेर अपनी गुफा से बाहर आया हो। आज का प्रेरक प्रसंग इतना ही। बस बने रहे मेरे साथ, शीघ्र मुलाकात होगी एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ।